दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन की, सैमसंग गैलेक्सी M21। इंडिया में काफी बिकता है लेकिन उसका सक्सेसर हमको बहुत टाइम से देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी M21 का सक्सेसर M21S ब्राजील में लॉन्च कर दिया है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M21S के सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, किस प्राइस पॉइंट पर वहां पर लॉन्च किया गया है, इंडिया लॉन्च की क्या स्थिति है, कौन सा प्रोसेसर इस फोन में डाला है सैमसंग ने, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट अपन रखते हैं 200 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को और सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह फोन की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। बिल्ड क्वालिटी वैसी ही आपको मिलेगी जैसी सैमसंग की एम सीरीज में मिलती है, जैसी M21 में आपको मिली है। प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम, ग्लास फ्रंट मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन प्लास्टिक वही चीप क्वालिटी का प्लास्टिक आपको मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरे को पसंद नहीं आती है। जो M21 की M31 की जो बिल्ड क्वालिटी वो थोड़ी सी चीप फील कराती है और सेम बिल्ड क्वालिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। डिजाइन एग्जैक्टली वही आपको देखने के लिए मिलता है। टॉप लेफ्ट में कैमरा सेटअप मिलता है, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहां पर आपको दिया गया है, ब्लू और ब्लैक कलर में फोन देखने के लिए मिलता है, फ्रंट में इन्फिनिटी यू डिस्प्ले आपको मिलता है, वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है मतलब, और यहां पर आपको हल्की सी चेन भी मिलती है। तो भाई बिल्ड एंड डिजाइन में सैमसंग की तरफ से कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं करे गए हैं, वैसी की वैसी बिल्ड क्वालिटी और वैसी की वैसी डिजाइन यहां पर आपको देखने को मिलती है। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं, 6.4 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर आपको दिया गया है, फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन मिलता है, सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है। ये मेरे को सैमसंग की बात काफी पसंद आती है भाई, डिस्प्ले से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है सैमसंग, फुल HD प्लस विद सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहां पर आपको दिया गया है। डिस्प्ले काफी अच्छा इसके अंदर आपको मिलता है, 420 nits की ब्राइटनेस मिलती है, 19.5:9 का यहां पर आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है और 403 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिलती है, तो काफी डेंस डिस्प्ले है। एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा, कंटेंट वगैरह आप वॉच करते हो तो डिस्प्ले यहां पर अच्छा दिया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं परफॉर्मेंस की। क्या लगता है आपको सैमसंग ने कौन सा प्रोसेसर दिया होगा? पॉज करो वीडियो को, कमेंट में अपने विचार व्यक्त करो कि कौन सा प्रोसेसर है, फिर वापस वीडियो को स्टार्ट करना। यहां पर दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी सैमसंग एक्सिनस 9611 प्रोसेसर। जय हो इस प्रोसेसर की। इतने फोन्स में हमको मिला है, इतने फोन्स में मिला है कि अब तो भाई इसका रिटायर होने का टाइम हो गया है। 9611 M21 से लेकर के A51 तक हमको 9611 ही देखने के लिए मिलता है। 10 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, 2.3 GHz की पीक क्लॉक स्पीड यहां पर आपको मिलती है, A73 वाले पुराने कोर्स यहां पर आपको मिलते हैं, साथ ही में माली G72 GPU मिलता है, तो परफॉर्मेंस डे टू डे की आपकी अच्छी निकाल देता है, गेमिंग भी आपको ठीक ठाक लेवल की करवा देता है। लेकिन अब इस प्रोसेसर से परेशान हो गए भाई, बहुत सारे फोन्स में आ गया है, कुछ तो चेंज किया जाए, कोई दूसरा प्रोसेसर यहां पर दे दिया जाए, लेकिन नहीं, सैमसंग और एक्सिनस 9611 यही आपको मिलेगा जो सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज आने वाली है उसके अंदर, तो यही प्रोसेसर यहां पर लगाया गया है। ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी की आप एक्सपेक्टेशन मत रखो। LPDDR4X RAM यहां पर आपको मिलती है, UFS 2.1 वाला स्टोरेज मिल जाता है, परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक यहां पर मिल जाएगी। कैमरास की बात करते हैं, 64 मेगापिक्सल का कैमरा यहां पर दिया गया है। सैमसंग गैलेक्सी M21 में आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता था, यहां पर उसको अपग्रेड करके 64 मेगापिक्सल का कर दिया है, लेकिन तीन ही कैमरा यहां पर आपको मिलते हैं, 64+8+5 मेगापिक्सल के तीन कैमरास मिलते हैं और 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। साथ ही साथ फ्रंट में भी कैमरा यहां पर बढ़ा दिया गया है, वहां पर M21 में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था, यहां पर उसको बढ़ा करके 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा कर दिया गया है और उससे आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। सैमसंग की कैमरास अच्छे होते हैं भाई, सैमसंग के कैमरा से शिकायत नहीं आती है, यहां पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। बैटरी की बात करते हैं, 6000 mAh का बैटरा यहां पर आपको मिलेगा, काफी बड़ी बैटरी है, लेकिन वही पुरानी 15W की चार्जिंग यहां पर आपको मिलती है, उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता था भाई सैमसंग। इतनी बड़ी बैटरी है, 25W वाले चार्जर आपको दे रहा है सैमसंग M31S में, M51 में,
यहां पर भी अगर उसको दे देता तो अच्छी बात रहती, लेकिन ना 15 वॉट का चार्जर यहां पर आपको दिया गया है, उससे चार्ज करना है तो कर लो, नहीं करना है तो जय सियाराम, बस 15 वॉट का चार्जर दिया गया है। टाइप सी वाला पोर्ट यहां पर आपको मिलता है, 3.5mm वाला हमारा गड्ढा इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है। उसी के अलावा बात करेंगे तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एंड्रॉइड 10 के ऊपर आपको फोन मिलता है, One UI 2.5 का सपोर्ट मिलता है। उसी के अलावा डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट यहां पर आपको मिल जाता है, और उस स्लॉट में SD कार्ड घुसेड़ के 1 TB की आप हार्ड डिस्क बना सकते हो, काफी अच्छी स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं वेरिएंट्स की, तो 4GB + 64GB वाला वेरिएंट और 6GB + 128GB दो वेरिएंट में फोन ब्राजील में लॉन्च हुआ है, और इसका जो ग्लोबल प्राइस रखा गया है वो रखा गया है लगभग 230 यूरोस के आसपास, और 230 यूरोस को जब हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं बनते हैं लगभग 20,000 रुपए के आसपास। लेकिन डोंट वरी, इतना ज्यादा महंगा ये फोन इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला है। पहली बात तो ये फोन ऑलरेडी आपको इंडिया में मिल रहा है, ये फोन इंडिया में M21S नाम से शायद आपको ना मिले, क्योंकि अगर आपने फॉलो किया हो मुझे, मैंने आपको बताया था सैमसंग गैलेक्सी F41 के बारे में, या आपको ऐसे भी पता होगा सैमसंग गैलेक्सी F41 जो है एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशंस आपको वहां पर मिलते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि सैमसंग ये वाला फोन इंडिया में लॉन्च करेगा। अगर M21S इंडिया में लॉन्च होता है तो थोड़े और बेटर स्पेसिफिकेशंस के साथ में सैमसंग इसको ला सकता है। इन स्पेसिफिकेशन के साथ में अगर सैमसंग M21S को लॉन्च करता है तो कोई सेंस बनता नहीं है ना भाई, क्योंकि ये फोन तो ऑलरेडी हमको मिल रहा है और प्राइस पॉइंट भी आपको पता है कि इस प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है। लेकिन सैमसंग से एक शिकायत है जो कंटिन्यूस चलती जा रही है, 9611 का पीछा कब तक करने वाला है, कब से हमको दूसरे प्रोसेसर देखने के लिए मिलेंगे, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। बाकी फोन सैमसंग अच्छे लॉन्च करता है, लेकिन केवल और केवल परफॉर्मेंस में मात खा जाता है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई, आपको क्या लगता है, 9611 का पीछा अब छोड़ देना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई 9611 तो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, अगर वो हमको फोन्स में मिलता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।